पिछले दिनों बालाघाट में गुणवत्ताहीन गा चावल की सप्लाई का मामला सामने आने के बाद झाबुआ का जिला शासन भी सक्रिय नजर आया। लगातार जिले के अलग अलग देवेयर हाउसेज में रखे अनाज भंडार की जांच की जा रही है। झाबुआ कलेक्टर रोहित सिंह के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर एलएन गर्ग की उपस्थिति में राजस्व कृषि फूड विभाग के साथ पूरी टीम मेघनगर के वेयरहाउस पहुंची, जहां वेयरहाउस में रखा अनाज के साथ स्टॉक रजिस्टर और अलग अलग क्रमांक के कमरों में रखा चावल और गेहूं की बोरियों की बारीकी से जाँच की गई। गेहूँ और चावल की बोरियों से जाँच सैंपल लिए गए। शुरुआती जाँच में गोदाम में रखे अनाज की गुणवत्ता की शंका होने पर खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा सैंपलिंग की गई। मामले को लेकर डिप्टी कलेक्टर एलएन गर्ग का कहना था कि जांच के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अनाज की आवक जावक के साथ अनाज की गुणवत्ता सुनिश्चित करना बताया। जांच कराई जा रही है वेयरहाउस गोदाम में जो माल रखा हुआ है, तो जिसमें कालाबाजारी और जो स्टॉक रखा हुआ है उसको देखना है कि वो बहुत पुराना स्टॉक तो नहीं है। यदि पुराना स्टॉक है तो कब आया और कब वो वितरित हुआ, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की स्थिति में रहना चाहिए। उसको जो पहले आया है उसको पहले निकलना भी चाहिए। इस स्थिति में प्रारंभिक समीक्षा के दौरान पाया गया कि काउंटिंग काफ़ी हद तक सही पाई गई है और अभी ये शुरुआती चरण में है और अभी लगातार चेकिंग जारी है। और अभी शुरुआत में हमने गेहूँ के सैम्पलिंग भी लिए, तो थोड़ा फॉरेन मटेरियल की एक प्रॉब्लम आ रही है। कुछ फॉरेन मटेरियल 0.75% से थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। चावल की सैम्पलिंग के चूंकि कुछ लग रहा है कि उसमें कुछ डाउट है, बट हमारे पास अब ऐसा कुछ एनालिसिस का है नहीं चावल का, तो इसके सैंपल लेने के लिए इनसे निर्देशित कर किया है कि आप इनका सैंपल लेके भिजवाएं ताकि उसकी क्वालिटी का भी पता चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।